उन्होंने अपनी जेबें गर्म करके मुख्यमंत्री के जो आजू बाजू में कुछ लोग हैं ना या कोई ऑफिसर है जिन्होंने यहाँ से अपनी जेब गर्म करी और आगे जाके उन अधिकारियों की जेब गर्म। फिर कांग्रेस को मेरा पता है कि भाई ये भीमराज भाटी वजन वाला आदमी है, भीमराज भाटी जनता का सेवक है, तो फिर कांग्रेस मेरे ऊपर मेहरबानी करके मेरे को वापस कांग्रेस में ले लेते हैं, पार्टी में ले लेते हैं, फिर मैं कांग्रेस के लिए दौड़ना चालू हो जाता। जब तो भीमराज भाटी के पास क्या है, भीमराज भाटी के जाति के कोई वोट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भीमराज भाटी अच्छा अच्छों की जमानत जब्त करा रहा है, लगातार करा रहा है, और मेरे को हार का हेडमास्टर जरूर कहते हैं। हमारे साथ में भीमराज भाटी पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और पूर्व विधायक भी हैं और भैरव सिंह जी से लगाकर अनेकों चुनाव इन्होंने जिंदगी में लड़े हैं, लेकिन चुनाव इन्होंने जिंदगी में एक महार जीता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाली के अंदर भीमराज जी है तब तक भाजपा जीती रहेगी। सर क्या कारण है कि आपको हार का हेडमास्टर भी कहा जाता है और कांग्रेस हारने का मूल कारण लोग आपको दोषी मानते हैं? वो मेरे को वो लोग दोषी मानते हैं जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की खिलाफत करते हैं। मेरे को चार बार कांग्रेस से टिकट मिला है, एक बार पाली से मिला, तीन बार पाली से मिला। मुझे जब भी कांग्रेस का टिकट मिला है, ये जो तथाकथित कांग्रेस वाले हैं ना जिनको मैं जयचंद कहता हूँ, वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की खिलाफत करते हैं। और मेरे को वोट सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि एक तो मैं भैरव सिंह जी के साथ नहीं गया, उस वक्त मैंने अपना कांग्रेस का चरित्र साबित किया, दूसरा मैं जब भी मेरे को बात पसंद नहीं आती है, मेरे को जब कांग्रेस का सिलेक्शन गलत होता है टिकट का, तो मैं कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस से बाहर निकल के निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ। मैं कांग्रेस में रह के आज दिन तक मैंने कभी कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मिठालाल जी को टिकट मिला कांग्रेस का, मैं मिठालाल जी के साथ रहा, धर्मेंद्र चंद जी को कांग्रेस का टिकट मिला, धर्मेंद्र चंद जी के मैं साथ रहा, खुलेआम साथ रहा, लेकिन जब सुरेंद्र सुराणा को टिकट मिला कांग्रेस का, मुझे वो आदमी नहीं पसंद था तो मैं कांग्रेस छोड़ी मैंने। उस वक्त मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ दीवान साहब ने छोड़ी, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। तो कांग्रेस में हार का कारण है कांग्रेस में रह के कांग्रेस की खिलाफत करने वाले लोग, और वही लोग हैं जो कभी कोई तीसरे नंबर पे आता है, कभी किसी की जमानत जब्त होती है, ऐसे लोग जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की कब्र खोदते हैं, उनका चरित्र पब्लिक ने अच्छे से पहचान लिया, इसलिए वो जिधर भी दौड़ते हैं उधर से कांग्रेस का वर्कर हट जाता है। मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी जाति के कोई वोट नहीं है, उसके बावजूद मेरे को आठवें चुनाव में निर्दलीय के रूप में 56,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब जनता का स्नेह तो मेरे प्रति है ना, या मेरी जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन तो आज 30 साल के बावजूद भी कायम है ना। मैं इस तीसरे नंबर वाले लोगों की तरह थोड़ी हूँ कि जिन्होंने 5 साल में ही अपनी रेपुटेशन खो दी। सर आप जयचंद की जिनकी बात कर रहे हैं, आज जनता का काम पड़ता है वो जयचंद के पास जाते हैं और जयचंद लोग ही कहते हैं कि हमने पाली जिले का ये विकास करवाया। पाली जिले का विकास कराया कि नहीं कराया वो तो 25-30 साल हो गए, ये केवल ज्ञान जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना उसकी वजह से पाली फेल हो रहा है, उसकी वजह से पाली में विकास अवरुद्ध हो रहा है। पाली का टेक्सटाइल उद्योग मैनचेस्टर कहलाता था दुनिया का, लंदन का जो मैनचेस्टर है उसके मुकाबले में पाली शहर का वस्त्र उद्योग था, लेकिन वस्त्र उद्योग की इन्होंने क्या दुर्गति कर दी, पॉल्यूशन का इन्होंने आज दिन तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया, वो प्रदूषण का जो मसला है वो प्रदूषण के मसले को लेके ये तीसरे नंबर वाले सज्जन ने अपनी राजनीति करी, अपनी राजनीति की शुरुआत करी, और जैसे ही टिकट मिला और जैसे ही ये चुनाव में हारे वो उसके बाद इन्होंने प्रदूषण का सब्जेक्ट ही टच करना बंद कर दिया। क्यों, इनको मजदूरी मिलती थी पहले भी, ये प्रदूषण के नाम से इन फैक्ट्री वालों को टाइट करते थे, फैक्ट्री वाले इनको घर खर्च के पैसे दे देते, ये अपना घर खर्च चलाते, और अब ये चुप हो गए तो चुप होने के भी पैसे ले रहे हैं, इसलिए शांत है, नहीं तो जिस बात को लेके इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी और पूरी राजनीति करी उस बात को अभी इन्होंने चुप क्यों है पिछले 4.5 साल से, क्या जरूरत है? विकास की बात करते हैं, विकास जो सरकारी योजना के तहत, जैसे राजस्थान सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, चाहे बीजेपी का एमएलए था चाहे कांग्रेस का एमएलए था, उसको 5 करोड़ रुपए दिए ग्रामीण सड़कों के लिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिल के अंतर जिला की सड़कें बनाई, ये कह रहे मैंने बनाई, ये कह रहे मैंने बनाई, अरे आपने बनाई तो वो रोहित का जो बाईपास है वो क्यों अधूरा पड़ा है? 4.5 साल में आपके तो मैंने ये बनवा दिया, और वो जो सड़कें बनी है वो सड़कों की जो बदहाली है वो बदहाली चीख चीख कर कहला रही है कि इन सड़कों में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 1 साल भी वो सड़क नहीं चली,
जो सड़क बनी है, सड़कें बनी हैं, वो एक साल भी नहीं चली है और एक साल के अंदर ही सड़कें जर्जर हो गई। आप देखिए ना, ये अपने सुमेरपुर रोड से सीधा सूरजफॉल की तरफ जो रोड जाती है, कितनी बार ठीक हो गई, कितनी बार खराब हो गई, हर एक महीने में ख़त्म हो जाती है सड़क। वो जोधपुर वाली जो रोड है, वो जोधपुर वाली रोड साल भर भी नहीं हुआ उसको कंप्लीट हुआ, अभी उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ और वो जोधपुर वाली रोड टूटी पड़ी है। मतलब कोई सी भी सड़क, जो नई सड़क बनी है, वो चिल्ला चिल्ला कर इनके करप्शन का गाथा गा रही है। सर, इतना भ्रष्ट कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस उनको टिकट देती है, इसका मूल कारण क्या मानते हैं? मूल कारण यह है कि कांग्रेस में जो टिकट की सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है ना, वो सिलेक्शन की प्रक्रिया गलत है। कांग्रेस में जब टिकट देते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि मेरा आदमी कौन है जो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद मेरे साथ रहेगा। ये पहले ये नहीं सोचते कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा पिट्ठू कौन है, उस पिट्ठू को टिकट पकड़ा देते हैं। वो पिट्ठू को टिकट पकड़ाने से बड़े बड़े लोगों की जमानत जब्त हो गई। भीमराज भाटी के पास क्या है? भीमराज भाटी के जाति के कोई वोट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भीमराज भाटी अच्छा अच्छों की जमानत जब्त करा रहा है, लगातार करा रहा है। और मेरे को हार का हेडमास्टर जरूर कहते हैं, लेकिन हार का हेडमास्टर कहने के बावजूद मैं बुरी तरह थोड़ी हार रहा हूँ, मैं तो हमेशा दूसरे नंबर पर रहता हूँ। कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है वो तीसरे नंबर पर रहता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुलती है, तो वो मेरा दोष नहीं है। मेरा दोष सिर्फ इतना ही है कि मैं कांग्रेस से बाहर निकल के कोई भी चुनाव लड़ता हूँ। फिर कांग्रेस को मेरा पता है कि भाई ये भीमराज भाटी वजन वाला आदमी है, भीमराज भाटी जनता का सेवक है, तो फिर कांग्रेस मेरे ऊपर मेहरबानी करके मेरे को वापस कांग्रेस में ले लेते हैं, पार्टी में ले लेते हैं। फिर मैं कांग्रेस के लिए दौड़ना चालू हो जाता हूँ। और जब भी कभी मुझे बात पसंद नहीं आती है तो मैं कांग्रेस छोड़ के फिर कोई भी काम खुलेआम करता हूँ। सर, ऐसा है कि रोहित क्षेत्र के अंदर जाति विशेष के अधिकारी लोग ही लगे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जातिवाद की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पर, या अन्य जातियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कभी राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ऊपर से नीचे एक जाति के ही लोग हो। ये मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से कि ये बात अभी तक मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि एक जाति विशेष के ही अवसर लगे पड़े हैं। इन्होंने अपनी जेबें गर्म करके मुख्यमंत्री के जो आजू बाजू में कुछ लोग हैं ना, या कोई ऑफिसर है जिन्होंने यहाँ से अपनी जेब गर्म करी और आगे जाके उन अधिकारियों की जेब गर्म कर दी, ऐसे करके हर बैंक में मैं अपने समाज के लोगों को ले आए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समाज का कोई लावे ने कुछ करे, लेकिन अल्टीमेटली ये इन श्रीमान जी तीसरे नंबर वालों को ही नुकसान है। तीसरे नंबर वाला अपनी जाति के कितने याद भी भर दो, सरकारी अफसर तो सरकारी नौकरी करता है, सरकारी अफसर वोट नहीं दिला सकता। ये गलत फहमी में कि मेरे को जो सरकारी अधिकारी मैं लगाऊंगा वो सरकारी अधिकारी को मैंने वोट दिलाएंगे। वोट आदमी अपनी मर्जी से देता है, अपने दिमाग से देता है। और अब प्रजातंत्र राज हिंदुस्तान में इतना सुदृढ़ हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब लोग किसी के कहने से कोई वोट नहीं देता है। ये गलत फहमी कोई नेता पालता है कि कोई किसी कहने से वोट देता है, तो कोई किसी कहने से वोट नहीं देता। जनता इतनी इस लोकतंत्र में, हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार और इतनी काबिल हो गई है कि वो अपने वोट देने का फैसला अपने आप अपने स्वयं के दिमाग से करती है। अब पाली जिला संभाग बनने के बाद में क्या कांग्रेस को इसको फर्क पड़ेगा मतदान को लेकर के, या प्रतिशत बढ़ेगा या जीतेगी? नहीं, संभाग बनाया है, हालांकि किसी ने नहीं मांगा और फिर भी मुख्यमंत्री जी ने मेहरबानी करी है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने अपना जो कथन है कि मैं पाली और जोधपुर को सिस्टर सिटी मानता हूँ, वो उस बात को इन्होंने उस बात पे मोहर लगाई है। संभाग बनाने से अल्टीमेटली कमिश्नर का पोस्टिंग होगा, पुलिस उनकी पोस्टिंग, कमिश्नर की पोस्टिंग हो भी गई है, कोई वंदना जी सिंह भी है उसको लगा भी दिया है। तो कमिश्नर और ये संभाग बनाने से यहाँ बड़े ऑफिस खुलेंगे, कई वकीलों को बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कमिश्नर लेवल के जो मुकदमे हैं रेवेन्यू के और दूसरे, वो मुकदमे यहाँ जब पाली में सेटल होंगे तो वकील लोगों के लिए भी बहुत प्रोफेशन में वो बड़ा भारी फायदा होगा। अच्छा, दूसरे फायदे भी होंगे, मतलब कमिश्नर चुनाव में कितना फायदा होगा? चुनाव में आम जनता को मालूम ही संभाग का क्या मतलब होता है? जी, आम जनता को संभाग से कोई मतलब ही नहीं है। संभाग के लिए
कोई मेरे पास तो 30 साल में कोई आदमी नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि मेरे को कमिश्नर साहब से मिलना है या मुझे कमिश्नर साहब के पास आप मिलाओ या उनको बात करो। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आई जी साहब से। पब्लिक को, आम जनता को जो काम है वो पटवारी से, तहसीलदार से, SDO से, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर से, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मैनेजर होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लोन का बात हो ये हो, वो छोटे छोटे लोगों से काम पड़ता। किसी आदमी का मेरे को 30 साल में किसी ने नहीं कहा कि मुझे कमिश्नर साहब से मिलाओ या मुझे IG साहब से बात कराओ। एक पाली रोहित के अंदर जो नेशनल जमहूरी हुई थी इसको लेके चुनाव में कुछ रोहित सोजत में या पाली जिले में कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं, जमहूरी तो हो गई, जमहूरी पूरी हो गई। जमहूरी में जो होना था वो भी हो गया, वो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। क्या हुआ था ऐसा कुछ? अब जो हुआ वो हुआ, अब ये बार बार ऐसी बात डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। भला हो इन पुलिस अधिकारियों का कि उन्होंने उस बात को गोलमोल करके उसको पब्लिकली आउट नहीं किया, उससे सबकी इज्जत भी बच गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जमहूरी के नाम से बदनामी हो सकती थी हमारे हिंदुस्तान की, वो इन पुलिस वालों की मेहरबानी से नहीं हो पाई। लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ। अब अंत में एक बताइएगा सर, पाली जिले के अंदर विधानसभा चुनाव किस प्रकार से जीत सकते हैं, इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है भाई साहब कि पहले तो बेईमान लोगों से कांग्रेस छुटकारा पाए, जो कांग्रेस का नाम लेके अपना घर बनाने में या घर चलाने में लगे हुए हैं उनसे छुटकारा पाए, नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, टिकट देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसियों का इन्वॉल्वमेंट करें। नहीं तो ये अपने किसी भी आदमी को, जो इनका पेटेंट आदमी होता है उसको टिकट पकड़ा देते हैं। जिस जिस चुनाव में जिस नेता की चलती है वो नेता अपने जो पसंदीदा आदमी होते हैं उनको टिकट दे देते हैं। अब उन नेताओं के जो पसंदीदा आदमी है वो जनता को पसंद नहीं है तो फिर वो नेता का पसंदीदा आदमी हार जाता है। तो इसलिए जब तक टिकट की सिलेक्शन की प्रक्रिया सही नहीं होगी और कांग्रेस के सही कार्यकर्ताओं को मौका नहीं लगेगा, कभी तो कोई आके कहीं से चुनाव लड़ लेता है, कभी कोई बम्बई से आके चुनाव लड़ लेता है, कभी कोई कहीं से आके चुनाव लड़ लेता है, कोई यहाँ का आदमी पाली के उस कोने में जाके चुनाव लड़ता है, वहाँ का आदमी बगल का कोई जिले का आदमी यहाँ आके कोई चुनाव लड़ लेता है, तो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया डिफेक्टिव है। सर, एक जो है पाली के पूर्व सांसद जो अनपढ़ भी हैं, सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर ऐसे पढ़े लिखे आदमियों की ज़रूरत है, तो क्यों इसको शिक्षा के लिए जो है इसका कोई मापदंड तय किया जाए? नहीं, मेरा तो शुरू से ये मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो वो जब एक आप पियोन की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय है, क्लर्क की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय है, तो किसी MLA की और किसी सांसद की क्यों नहीं क्वालिफिकेशन तय हो? और जब तक क्वालिफाइड आदमी आपका जनप्रतिनिधि नहीं बनेगा तब तक आपकी जो पेरेनियल डिफिकल्टीज है, पेरेनियल प्रॉब्लम्स है जो निरंतर चली आ रही है आज़ादी के बाद से, उनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं दक्षिण में रहा हूँ बेंगलोर में 18 साल, मुझे पता है कि दक्षिण भारत की उन्नति में और दक्षिण भारत के तरक्की करने के पीछे वो जो पढ़े लिखे सांसद है या पढ़े लिखे MLA है उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने यहाँ तो कोई भी आ गया, कोई भी बन गया, अपनी जाति के आधार पर कोई भी बन गया, इसलिए राजस्थान भी पीछे है। भीमराजी भाटी का ऐसा मानना है कि कुछ लोग जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस का हित कर रहे हैं उनको छोड़कर कांग्रेस एक चुनाव में टिकट देने की प्रक्रिया में परिवर्तन करे ताकि जीतने वाला आदमी और जो कांग्रेस का समर्थित आदमी हो, जनप्रतिनिधि जो को जनता मानती है उनको टिकट दिया जाए तो कांग्रेस पाली जिले में बन सकती है। और संभाग को लेकर के भी पाली में मतदान में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो है शिक्षित लोगों को टिकट दिया जाए पाली से। पार्थ भुण जोशी।